नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। अगले सप्ताह वाराणसी आएंगे सीएम योगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 3 वोट अधिक मिले। अधिकारी के गेट पर बुजुर्ग ने पढ़ा नमाज। प्रवक्ता जबी उल्लाह ने दी मीडिया को धमकी। घर में पौधा लगाने पर मिलेगी फ्री बिजली। 2 दिनों तक सरकारी विभागों की वेबसाइट बंद। बारिश ने दी गर्मी से राहत। मार्वल फिल्म निर्माता की पार्टी में पहुंचे मलाइका और अर्जुन कपूर। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। संजू ने विकेट कीपिंग से जिताया मैच। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जुलाई को वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष के सफल कार्यकाल व प्रशासनिक दक्षता पर प्रकाशित पुस्तक मोदी एट द रेट 20 पर संवाद करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि व्यापारी सामाजिक कार्यकर्ताओं विशिष्ट जनों सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों व शिक्षक अधिवक्ता चिकित्सक सीए इंजीनियर को संबोधित करेंगे। पंजाब में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्धारित से 3 वोट ज्यादा मिले हैं। पंजाब में द्रौपदी मुर्मू को शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने समर्थन का ऐलान किया था, जबकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को वोट देने का फैसला लिया था। गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा के सरकारी आवास के बाहर एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ाई दौरान किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया है। एसपी सिटी ने जाँच का आदेश दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद से रोज कोई ना कोई नए फरमान सुनाए जा रहे हैं। इस बार का मामला कुछ अलग है। दरअसल तालिबान ने कहा है कि बिना किसी प्रामाणिकता के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के विद्वानों और लोक सेवकों की आलोचना करने वालों को दंडित करेगा। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर या कैंपस में पौधा लगाने पर बिजली के बिल में छूट मिलेगी। रांची में वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा, अपने घरों के कैंपस में पौधारोपण करने वाले परिवारों को प्रति पौधा 5 मिनट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बिहार के लोगों को शनिवार और रविवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आज से 2 दिन तक राज्य सरकार से संबंधित किसी तरह के काम ऑनलाइन नहीं हो सकेंगे। स्टेट डेटा सेंटर के मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिनों तक ऑनलाइन सेवाओं को बंद किया गया है। इसके कारण जिला कार्यालयों और विभागों के कामों पर असर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के फुहारों ने दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना दिया है। कई इलाकों में हल्की तो कई जगह मध्यम वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू हो गया था। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा जहां भी साथ में शिरकत करते हैं सारी लाइमलाइट लूट लेते हैं। दोनों अक्सर ही सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें साझा करते रहते हैं। मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर से 12 साल बड़ी है। उम्र का लंबा फासला होने के बावजूद दोनों की केमिस्ट्री काफी मजबूत दिखाई देती है। अब दोनों को मार्वल फिल्म बनाने वाले निर्माता रूसो ब्रदर्स की पार्टी में साथ स्पॉट किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया है। एक दिन पहले ही उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। इस छापे में करीब 20 करोड़ रुपए मिलने का दावा हुआ था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 3 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में भारत 1 से आगे हो चुका है। धवन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज में जीत का सिलसिला जरूर बरकरार रखा है, लेकिन टीम इंडिया यह मैच हारते हारते बची। आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, लेकिन संजू सैमसन ने अपनी विकेट कीपिंग से भारत को हार से बचा लिया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।